आपने निशा पांडे जी से सुनी, एक अनुसूचित जाति की महिला को कैसे प्रताड़ित किया गया, क्यों, इनका क्या दोष था कि इन्होंने गृह प्रवेश में एक कार्यक्रम रखा। आप भी रखते, मैं भी रखता हूं, सब रखते। तो कौन सी परेशानी थी आपको निशा पांडे जी की, ये मुझे भी नहीं थी। मैंने कहा था हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और इन्होंने आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ। ये अन्याय के महिला की अन्याय और महिलाओं के अत्याचार के ये प्रतीक है। ये आज शिवराज सिंह जी की देन है। जगह जगह महिलाओं का अत्याचार, एक उदाहरण तो आपके सामने यहां है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार, मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के आके कहते हैं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पर सबसे ज्यादा अत्याचार, ये आज स्थिति है। तो आप बड़ी सेवा करेंगे मध्य प्रदेश में, जब आप फैसला करें कि हमें इस सरकार, भाजपा सरकार को अब घर बांटना है, विदा करना है। बहुत समय हो गया शिवराज सिंह जी, ये बहुत कलाकार हैं, पर इनको बेरोजगार नौजवान नहीं दिखता, इनकी आंख नहीं चलती, इनको किसान की आवाज नहीं सुनते, इनके काम नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। निशा पांडे जी, आप चिंता मत करिएगा, हम आपसे प्रदेश की सेवा करवाएंगे, हम आपसे प्रदेश की सेवा कराएंगे, आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा पांडे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, मैं भी स्वागत कर सकता, मैं तो मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे मेरे पास कि हमें इतने करोड़ रुपए मिलने हैं, मैंने कहा मैं सौदा करने वाला नहीं हूं, आप मौज करिए, या मैं छिंदवाड़ा आके आपको कहता, या मैं छिंदवाड़ा आके आपको कहता कि मैं सौदा करके कुर्सी में बैठा हूं, मैं छिंदवाड़ा का सम्मान रखना चाहता था कि उनके पास कमलनाथ है तो सौदा नहीं करेंगे, मैंने सौदा नहीं किया। अंत में तो मैं एक ही बात कहूंगा, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी जिले, और आपका छिंदवाड़ा की न पहचान, जब भोपाल में छिंदवाड़ा की बात होती थी कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, नागपुर वाला, आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरे प्रदेश में है। और इस 45 साल में आप छाती ठोक कर कहीं भी जा सकते हैं, कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से हैं, सही बात है, आपको किसी भी कारण आपको सिर झुकाना नहीं पड़ता है, किसी भी कारण को सिर नहीं झुकाना पड़ता है। ये आज तस्वीर हमारे सामने। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशा बांगड़े को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कमलनाथ बोले, निशा बांगड़े इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। छिंदवाड़ा विधानसभा से नामांकन भरने के बाद कमलनाथ ने मंच से ऐलान किया कि निशा बांगड़े इस बार भले ही चुनाव न लड़ रही हों, लेकिन उनकी जरूरत कमलनाथ को मध्य प्रदेश में है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े के इस्तीफे के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें आमला सीट से उम्मीदवार बना सकती है। निशा बांगड़े अपने चुनाव लड़ने की इच्छा बताने और उन पर कमलनाथ के विचार जानने के लिए उनके घर पहुंची थीं। इसके बाद जानकारी मिली कि कमलनाथ उन्हें छिंदवाड़ा में जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाएंगे। राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी शुरू हो गई कि कमलनाथ इसी दौरान उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान भी कर सकते हैं।
लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये साफ कर दिया कि निशा बांगरे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमलनाथ ने मंच से निशा बांगरे को संबोधित करते हुए कहा, आप उदाहरण बनेंगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उन महिलाओं को भी लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। निशा डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ने के बाद लगातार सुर्खियों में हैं। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि सरकार द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी ने आमला से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। निशा बांगरे इसी आमला सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थीं। कांग्रेस पार्टी ने आखिरी लिस्ट तक इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही इस सीट पर उम्मीदवार उतारा, उसके अगले ही दिन निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने मंजूर कर लिया। निशा बांगरे का कहना है कि शिवराज सरकार ने जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे के बाद आमला सीट से उम्मीदवार बदलते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार देगी, लेकिन इन अटकलों पर भी कल प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विराम लगा दिया है।